पुरानी से पुरानी शुगर की बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। ये एंटी डायबिटिक पाउडर मधुमेह रोगियों के लिए वरदान है। ये एंटी डायबिटिक पाउडर और सिर्फ 5 दिन में आप परिणाम खुद देखिए। नमस्कार दोस्तों, भारत में 5,70,00,000 से ज्यादा लोगों को डायबिटीज की बीमारी है और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को आने वाले कुछ सालों में ये बीमारी हो जाएगी, सरकार ऐसा बोल रही है। दोस्तों, हर 2 मिनट में एक आदमी इस डायबिटीज की बीमारी से मर जाता है और इस डायबिटीज की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन भी बहुत अधिक हैं। किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है और किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें, इस डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन बहुत अधिक है। दोस्तों, भले आप शुगर की कितनी भी देसी और इंग्लिश दवा का सेवन कर लीजिए, मगर इसका समाधान तभी होगा जब आपका शरीर खुद से इंसुलिन बनाना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। दोस्तों, वैसे 80-90% केसेस में इंसुलिन बनता ही नहीं है और लोगों को बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस डायबिटीज रोग का आपको एक चमत्कारी नुस्खा बताएंगे और यदि आप कुछ परहेज के साथ इस नुस्खे का सेवन करते हैं तब आपको चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे और 5 दिन में ही इसका असर आपको खुद दिख जाएगा और आपके शुगर का लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि ये डायबिटीज होती क्या है, उसके बाद जानेंगे इसके कारणों के बारे में और उसके बाद बताएंगे उस चमत्कारी नुस्खे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कारण इसलिए बताएंगे ताकि आप उन कारणों को खत्म करके ही इस डायबिटीज रोग से बचें और यदि आपको डायबिटीज हो गई है आप अपने बच्चों को बचा सकें, क्योंकि वो बहुत अधिक चांसेस है उनको इस डायबिटीज की बीमारी के होने के। इन कारणों को जानकर आज ही इन कारणों को मिटा दीजिए जिससे कि उनको ये समस्या ना आए। दोस्तों, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज अधिकतर छोटे बच्चों या फिर 20 साल से कम उम्र के लड़कों में होती है। मधुमेह टाइप 1 में शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। दूसरा, टाइप 2, जो लोग शुगर से परेशान है उनमें अधिकतर मरीज टाइप 2 के ही होते हैं। इसमें बॉडी में इंसुलिन बनता तो है पर जो बनता है या तो वो ठीक से काम नहीं करता या फिर शरीर की जरूरत के अनुसार नहीं बनता। अब जानते हैं शुगर होने के कारणों के बारे में। दोस्तों, जो लोग जंक फूड अधिक खाते हैं उनमें शुगर होने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण ये है कि खाने की ऐसी चीजों में फैट अधिक होता है जिससे शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ने लगता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता और शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और उन लोगों को ये बीमारी हो जाती है। डायबिटीज एक अनुवंशिक यानी जेनेटिक रोग भी है, मतलब अगर परिवार में माता पिता को ये बीमारी है तो उनके बच्चों को होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। मोटापा और जरूरत से ज्यादा वजन वाले लोगों को भी डायबिटीज होने का खतरा बहुत अधिक रहता है, इसलिए आप अपने मोटापे को कंट्रोल में रखें। शारीरिक श्रम ना करना भी डायबिटीज का एक मुख्य रीजन है। कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है कि वे एक जगह पर बैठकर ही काम करते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते, उनको इसके अधिक चांसेस होते हैं। हर समय तनाव में रहना या डिप्रेशन में रहना भी एक कारण है इस डायबिटीज की बीमारी के होने का। धूम्रपान, तंबाकू या कोई दूसरा नशा करने से भी ये शुगर की बीमारी हो जाती है। दवाइयों का ज्यादा सेवन करना भी इस बीमारी को न्योता देता है। अक्सर कोई रोग होने पर हम बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने लगते हैं। कोई भी अंग्रेजी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेने चाहिए, उनका भी ये एक दुष्परिणाम है। अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मीठा अधिक खाते हैं, चीनी का सेवन करते हैं तब भी आपको बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको ये बीमारी हो जाएगी। अब जानते हैं इस बीमारी के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परहेज की। दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है, यानी आपने खाना अच्छा खाना है और इस चाय का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। चाय चाहे आप फीकी ले या मीठी, आपने पीनी ही नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं, वो फीकी चाय पीते हैं, परंतु आपने इस चाय का सेवन बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा यदि आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं और इस बीमारी को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। या जैसे हम बोलते हैं कि शुगर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, उस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। अब जो दूसरी चीज है वो
ये है कि आपने हर रोज सुबह और शाम की सैर जरूर करनी है, व्यायाम जरूर करना है। ये चीजें अपनी डेली लाइफ में आपको शामिल करनी ही करनी है और उसके साथ आपने इस नुस्खे को आजमाना है और फिर चमत्कार देखिए 5 दिन में कैसे आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। आवश्यक सामग्री: नीम के सूखे पत्ते 20 ग्राम, गुड़मार 80 ग्राम, बिनोले की मिंगी 40 ग्राम, जामुन की गुठलियों की मिंगी 40 ग्राम, बेल के सूखे पत्ते 60 ग्राम। दोस्तों आपको ये सिर्फ सामग्री चाहिए और ये आपको अपने नजदीकी पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी बाय कर सकती हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इन सबको छाया में सुखाकर आपने पाउडर बना लेना है। जैसे कि ये हमारा पाउडर रेडी है, अब आपने इस पाउडर के 1 चम्मच का सेवन सुबह खाली पेट करना है, यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले, और शाम को भी आपने ऐसे ही खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका सेवन करना है 1 चम्मच की मात्रा में। यानी आपने 1 दिन में 2 चम्मच सेवन करना है सुबह और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको 5 दिन में इसके चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे और आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा और इस डायबिटीज की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों आप उन सब से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें, इस एंटी डायबिटिक पाउडर का प्रयोग करें और अपनी शुगर की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।